हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और कोच संजय सेजा एंड आप देख रहे हैं योर फिटनेस कोच। सो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जो मैंने एक पोल किया था उससे सिलेक्ट किया है। मैंने उस पोल में बोला था कि कैन फैट बी कन्वर्टेड इनटू मसल। ओके, अब आप इस वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज करिए और नीचे जाके कमेंट में आंसर करिए कैन फैट बी कन्वर्टेड इनटू मसल। अगर आपका आंसर हाँ है तो टाइप यस, अगर आपका आंसर नो है तो टाइप नो। देखते हैं आपको नॉलेज है कि नहीं है, और नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आपको नॉलेज मिल जाएगी कि फैट मसल में कन्वर्ट होता है कि नहीं। जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड। हो सकता है आपने अभी तक आंसर कर चुका होगा यस और नो में। अब आगे बात करते हैं कि फैट और मसल में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, और उस पोल का एक्चुअली में रिजल्ट क्या था। उस पोल का रिजल्ट था 60-40, दैट मीन 60% ऑफ द पीपल थॉट कि फैट को मसल में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड 40% को ऐसा लगता है कि फैट को मसल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, अब इस चीज़ का आंसर इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। बट पहले बात करते हैं कि ये मिथ असल में आया कहाँ से। ओके, ये मिथ आया है बॉडी बिल्डिंग से मेनली, बिकॉज लोग बॉडी बिल्डिंग में क्या करते हैं, पहले गेनिंग करते हैं फॉर सम टाइम, फिर कटिंग में जाते हैं। तो जब वो गेनिंग कर रहे होते हैं तब वो अपना वजन काफ़ी बढ़ा लेते हैं, फिर जब वो कटिंग करते हैं तब वो मस्कुलर हो जाते हैं और बिल्कुल बल्क दिखने लगते हैं, चिजल्ड अच्छे दिखने लगते हैं, एब्स बाहर आ जाते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है यार, बिकॉज वो पहले मोटे हुए थे, उन्होंने फैट इकट्ठा किया पहले, फिर उस फैट को वर्कआउट करके मसल में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ द मिथ दैट पीपल हैव। बेसिकली आपके दिमाग में भी यही चीज़ होगी और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वीडियोज़ में देखा होगा, हर जगह आपने यही चीज़ देखी होगी, इसलिए आपको लगता है यार उनने तो फैट गेन किया, अब उनने बर्न करके मसल कर दिया, उसको फैट को मसल कर दिया हमने। ठीक है, तो ऐसा होता है कि नहीं हम ज़रूर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोज़ बना पाऊँ, और ताकि मैं समझूँ कि हाँ मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो एंड में अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। ओके, सो द आंसर इज़ नो, फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मसल। अब मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि फैट मसल में कन्वर्ट नहीं होता, इसका रीज़न है बिकॉज फैट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें तीन फैटी एसिड्स होते हैं, एक ग्लिसरॉल एक कंपाउंड होता है उसके अंदर, इसलिए ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है उसको। मसल इज़ मेड अप ऑफ मायोफिब्रल्स और वो बनते हैं एमिनो एसिड से। फैट जो है उसका काम होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, जब हमारी बॉडी में इनफ एनर्जी नहीं हो तो वो एनर्जी रिजर्व की तरह काम करता है, जबकि मसल जो है वो हम लोग को फोर्स प्रोड्यूस करने में काम करता है। जैसे कि मैं इस बॉटल को उठा रहा हूँ, आई एम एग्जर्टिंग अ फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये हमारी मसल करती है। फैट एनर्जी देने के काम में आता है, दोनों की वर्किंग डिफरेंट है, दोनों के बिल्डिंग ब्लॉक्स डिफरेंट हैं, एंड दे आर नॉट इंटरचेंजेबल या इंटरकन्वर्टेबल नहीं है, वो लोग एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जिस तरह ये तार जो है, इसका जो प्लास्टिक है वो इस बॉटल में, ग्लास की बॉटल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, जिस तरह ये फ़ोन का जो मटेरियल है ये वो इस बॉटल की मटेरियल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जिस तरह एक पेपर जो है वो कपड़े में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जिस तरह एक स्टील एक प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सिमिलरली एक फैट एक मसल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आपको ये अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लानी पड़ेगी। ओके, अब जानते हैं कि बॉडी बिल्डर्स के साथ क्या होता है कि वो फैट को मसल में कन्वर्ट कर देते हैं। वाह यार, बॉडी बिल्डर्स के पास क्या एक मैजिक पिल है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट हैपेंस इज, जब वो गेनिंग पीरियड में होते हैं उनका मेन गोल होता है मसल गेन करना। ओके, जब वो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, जब वो गेनिंग प्रोसेस में होते हैं तब उनका मेन गोल होता है गेनिंग करना। तो वो ज़्यादा कैलोरी इंटेक करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन इंटेक रहता है। जब उनका कैलोरिक इंटेक अच्छा होता है, जब सारी बॉडी के प्रोसेस अच्छे चल रहे होते हैं, तब हमारी बॉडी सपोर्ट करती है मसल ग्रोथ को। हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए है मस्कुलर सिस्टम। अगर आपके हर एक जो बॉडी का पार्ट है वो सही चल रहा हो, हर एक सिस्टम सही चल रहा हो, उसके बाद हमारी बॉडी मस्कुलर सिस्टम को ग्रो करती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रोवाइड इनफ एनर्जी ड्यूरिंग दैट गेनिंग पीरियड। आप सारे माइक्रोज प्रोवाइड करते हो, मैक्रोज प्रोवाइड करते हो और ज़्यादा खाते हो, दैट इज़ हाउ यू आर गेनिंग। अब जिम में जाके यू आर लिफ्टिंग हैवी, आप मसल पे स्ट्रेन प्रोवाइड कर रहे हो, मसल आपकी ब्रेक हो रही है, देन यू आर गिविंग इट गुड डाइट,
जिससे वो मसल प्रॉपरली रिकवर हो पा रही है। तो मसल गेन हो रहा है धीरे धीरे, ज़्यादा खा रहे हैं वो मसल गेन करते हैं 6, 8, 10 महीने। अब मसल के साथ साथ फैट भी गेन होता है, ओके। तो फैट जो है वो मसल के ऊपर होता है, इट इज़ अ लेयर अबव अवर मसल्स, ओके। तो जब आप किसी बॉडी बिल्डर को गेनिंग फेज में देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इनकी बॉडी में फैट है, बट दैट इज नॉट ऑल फैट। उन्होंने कुछ 5-7% फैट गेन किया होता है उस गेनिंग पीरियड के दौरान, जो वो कटिंग में कट करने वाले होते हैं, ओके। तो जो उसके नीचे वो ग्रो कर रहे हैं मसल, वो आपको नहीं दिख रही है, आपको सिर्फ फैट दिख रहा है, इसलिए आपको लगता है कि फैट वो गेन करते हैं और फैट से मसल गेन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो अच्छा खासा मसल गेन करते हैं, उसके ऊपर एक फैट की लेयर होती है, इसीलिए आपको वो मसल दिखता नहीं है। फिर उसके बाद जब वो कटिंग फेज में होते हैं, वो ऊपर वाली फैट की लेयर बर्न कर देते हैं, तब आपको वो अच्छे मसल दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि असल में ये लोग फैट्स को मसल में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। यू कांट चेंज फैट इनटू मसल, दे आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, ये आपको समझना पड़ेगा। फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मसल। अब बात करते हैं एक और दूसरी चीज़ की। अगर आपको सिर्फ इतना जानना था तो अभी तक मैंने वो टॉपिक ख़त्म कर दिया है। एक एक्स्ट्रा चीज़ की हम बात करने वाले हैं, कैन यू गेन मसल वाइल लूजिंग फैट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब इंसान फैट लूज कर रहा है उसका मसल बढ़ रहा है। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल। सिर्फ कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए ये पॉसिबल है। हमें बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो लोग ओबीस हैं और वो अभी बिगिनर हैं ट्रेनिंग के लिए, पहले या मतलब ओवरवेट हैं और अभी ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट की है एज अ बिगिनर। सेकेंड काइंड ऑफ पीपल, जो लोग पहले वर्कआउट करते थे, अब वर्कआउट उन्होंने छोड़ दिया जिसके कारण उनका मसल लॉस हो गया, वो मोटे हो गए हैं, अब नाउ दे स्टार्ट वर्किंग आउट, तो उनका मसल गेन भी होगा और फैट लॉस भी होगा। दीज आर द टू काइंड ऑफ पीपल जो फैट गेन, फैट लॉस और मसल गेन एक साथ करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, बाकी कैटेगरीज के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फैट लॉस और मसल गेन एक साथ करें। रीज़न, जब आप फैट लॉस करते हो तब आप कैलोरिक डेफिसिट में होते हो, मतलब आपका कैलोरी इंटेक कम होता है ताकि आपकी बॉडी आपका फैट यूज़ कर सके। जब आप मसल गेन प्रोसेस में होते हो तब आपकी अब आपकी बॉडी को आप इनफ एनर्जी देते हो ताकि बॉडी अच्छे से लिफ्ट भी कर पाए, सारे अपने सिस्टम्स को अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड भी कर पाए और मस्कुलर सिस्टम को भी ग्रो कर पाए। अब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हैं। यू आर इन कैलोरिक डेफिसिट वाइल यू आर लूजिंग, यू आर इन अ कैलोरिक सरप्लस वाइल यू आर गेनिंग। तो इसीलिए दोनों चीज़ें सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ दो लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस पॉसिबल है, दो कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए जो मैंने आपको बता दी। सो आई हैव कम्प्लीटेड दिस वीडियो, 8 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं इसको और लंबा नहीं खींचूंगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू गिव मी अ थम्स अप डाउन बिलो। अगर आप एक नए फॉलोअर हैं, नए वीडियो को देख रहे हैं, नए बंदे हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, मोटिवेट मी अलॉट। मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखेंगे। ओके, टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।